तो अभी तक हम लोगों ने नेशनल पार्टीज क्या है वो देखे थे, तो अभी देखेंगे हम लोग स्टेट पार्टी जो है वो क्या होता है। तो जो नेशनल पार्टी में 6 मेजर पार्टीज के बारे में डिस्कस किए, उनको छोड़ के बाकी के जितने भी बड़े बड़े पार्टीज बचते हैं उनको इलेक्शन कमीशन ने स्टेट पार्टीज का रिकॉग्निशन उनको दिया गया है। तो उनको जो है रीजनल पार्टी भी बोला जाता है, क्योंकि वो कुछ ही रीजन में ही लिमिटेड होते हैं या फिर वो सक्सेस हुए हैं। तो कुछ पार्टी जो कि नेशनल लेवल में जो पार्टीज होते हैं उनका कुछ यूनिट स्टेट में भी सक्सेस हुआ है, जैसे कि जो राष्ट्रीय जनता दल या फिर जो समाजवादी पार्टी, समता पार्टी, तो ये जो है सभी लोग नेशनल लेवल के पार्टीज होते हैं। उसके बाद भी उनका जो कुछ कुछ यूनिट्स कुछ स्टेट्स में भी सक्सेसफुली गवर्नमेंट रन कर रहे हैं, और कुछ पार्टी जो है वो खाली स्टेट तक ही लिमिट होते हैं, उनका पावर खाली स्टेट तक ही रहता है। जैसे कि बीजू जनता दल जो कि ओडिशा में खाली रहता है, सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट एंड मिजो नेशनल फ्रंट, तो ये सभी जो है उनको खाली स्टेट आइडेंटिटी मिला है। तो 30 साल से जो है बहुत सारे नंबर में और जो स्ट्रेंथ है पॉलिटिकल पार्टीज का उनमें बहुत ज़्यादा इंक्रीज देखने को मिला है। तो ये जो है पार्लियामेंट और इंडियन पॉलिटिकल को और ज़्यादा डाइवर्स करने में हेल्प किया है, क्योंकि जितने ज़्यादा पार्टीज होंगे उतने ज़्यादा डाइवर्सिटी होता है। सो ज़्यादा पार्टी होने से क्या एक प्रॉब्लम हुआ है कि किसी भी एक पार्टी को लोकसभा इलेक्शन में मेजोरिटी नहीं मिलता, क्योंकि इतने सारी पार्टी अगर इलेक्शन में कंटेस्ट करेंगे तो लोगों का जो वोट होता है वो भी डिवाइड हो जाता है। तो किसी एक पार्टी को ऐसे में मेजोरिटी मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए 1996 के बाद इंडिया के पॉलिटिकल सिचुएशन में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला है, क्योंकि इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज होने से जिनको मेजोरिटी नहीं मिलता वो लोग बाकी के छोटे मोटे पार्टी के साथ वो हाथ मिला लेते हैं, फिर उनको वो अपनी ओर कर लेते हैं ताकि वो लोग मिलके एक गवर्नमेंट क्रिएट कर सके। तो इस टाइप के गवर्नमेंट को बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। तो कोलिशन गवर्नमेंट में जो स्टेट पार्टीज होते हैं या फिर जो रीजनल पार्टीज होते हैं वो लोग नेशनल पार्टी के साथ मिल जाते हैं, तो उनको भी जो है स्टेट नेशनल लेवल पे वो कुछ कर दिखाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो इससे जो है इंडिया का फेडरलिज्म या फिर जो डेमोक्रेसी है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ मिला है कोलिशन गवर्नमेंट में, क्योंकि जितने ज़्यादा पार्टीज होते हैं तो उनके व्यू जो है वो भी अलग अलग होता है। तो बहुत सारे व्यूज में से कौन सा व्यू सही होता है एक कंट्री के लिए वो चूज कर पाना जो है ईजी होता है। तो ये था स्टेट पार्टीज के बारे में, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज।